कैश वैस भी था रखा हुआ और ज्वेलरी रखी हुई थी वो सब बह गए, पानी निकालने का मौका ही नहीं दिया। पांच लाशें वहां पर गायब हैं, जो वहां पर भी पता नहीं चल रहा है, नदी में सारे झांप रहे हैं, देख रहे हैं अगर किसी का कपड़े से पता चले। साराखेत के आपदाग्रस्त इलाके में इस वक्त उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार स्वयं आए हैं। सर, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है? देखिए, ये 18/19 की रात में, बल्कि 19/20 की रात में हमें 2:18 पर सूचना आई थी, तभी से हमारी जिला पुलिस की और SDRF की टीमें लगी हैं। बहुत से हंड्रेड्स ऑफ लोगों को हमने बचाया है, सेफ जोन में पहुँचाया है, और जो लोग घायल थे उनको हेलीलिफ्ट करके, एयरलिफ्ट करा करके हॉस्पिटलाइज कराया है। अब जो है रास्तों को नॉर्मलाइज करना, जहां पुल टूट गए हैं वहां पे व्यवस्था करना, इस तरह के सारे, इससे लाइफ नॉर्मल हो सके, उन कामों में लगे हैं। जो लोग मिसिंग हैं, इस पूरी आपदा में 4 डेथ हैं, 13 मिसिंग हैं, ठीक है, उन मिसिंग को अब खोजने का अभियान जारी है। यद्यपि वो बड़ा काम है, क्योंकि यहाँ मलबे का लेवल आप देख रहे हैं, नदी का फ्लो देख रहे हैं, मलबे में भी हो सकते हैं, बह भी गए हो सकते हैं, तो वो भी हम उस अभियान को भी हमने शुरू कर लिया है। सर, यहाँ पर कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, वो तलाश कर रहे हैं जिनके लोग दबे हुए हैं अभी भी। उनका ये कहना था कि बड़ी मशीनों को लगाया जाए, क्योंकि चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बड़ी मशीनें वगैरह इस तरीके से ऑपरेशन का प्रॉब्लम ये है कि बहुत दूर है, बहुत रिमोट है, बड़ी मशीनें वहाँ तक पहुँचाना आसान नहीं है जहाँ से वो मिसिंग हुए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, सब तरह के प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये थे उत्तराखंड पुलिस के DGP अशोक कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस फिलहाल, प्रशासन और SDRF की टीम जो है, अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, जितने भी चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने की कोशिश की जा रही है, और जो लोग अभी भी मिसिंग हैं उनको ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकेश शाह के साथ दिग्विजय सिंह चौहान, संवाद 365, साराखेत, देहरादून। पत्थर रखेंगे वो कौन टूट जाएगा सर? आगे हाँ, ये लेकिन आगे सर जो है वो ले जाएंगे, क्या पता मिस्त्री बना देगा। Thank you.